जा रहे हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। यही तो है मुस्कान का आशिक। तो हेलो गाइस, हम लोग का घर भरा भरा हुआ है, हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग का 2 घंटा ट्रेन रुका, और रुकने के बाद में हम लोग का पोजीशन खराब हो चुका है। अब हम लोग निकल चुके हैं, निकलने के बाद में देवरिया वाटर पार्क में नहा पाएंगे। यार बहुत गर्मी बड़ी बड़ी है। दिखा दो भाई, दिखा दो। सब कोई देखना चाहता है कि कितना परसेंट है। सो गाइस, हम लोग फाइनली देवरिया पहुंच गया है। अब देवरिया पहुंचने के बाद आप लोग यहां से पार्किंग है, आप यहां से देख सकते हैं कि गाड़ी लगा हुआ है। आप यहां से ऑटो रिजर्व कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते हैं। 20 रुपया भाड़ा लेगा यहां से जाने के लिए। अब बस बोलना है वाटर पार्क से टोटल 4 किलोमीटर दूरी में है। ढाला जो पार कर रहे हैं ना, ये ढाला पार करके कुछ ही दूर में एक टर्निंग है, टर्निंग के बाद में मुड़ना है। ये रास्ता से सीधा जाना है और कहीं पर भी नहीं मिलना है। जो कि जस्ट चिल वाटर पार्क हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप सबको बता दें कि यहाँ पर सोनू है, जो कि पूरा नागिन बना बना के डांस करने वाला है अभी, जो कि और ये राम खेचा। गाइस आप सब देख सकते हैं यहाँ से, जो कि रास्ता से ही दिखाई देने लगा है। अभी हम लोग को सबर नहीं हो रहा है। बाप भाई आ गया जस्ट चिल वाटर पार्क। बस लोग ऐसे सब सबको बता दें कि हम जस्ट चिल वाटर पार्क के सामने आ चुका है। आने के बाद में अंदर का व्यू देखा। अब अंदर चल के टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद दिखा रहे क्या होगा। जस्ट चिल वाटर पार्क, ये मेन गेट है। मेन गेट से एंट्री करेंगे हम लोग। आप जैसे एंट्री करिएगा वैसे टिकट काउंटर आपके सामने नज़र आएगा। आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, जो कि रेट आपको पता होना चाहिए, जो कि कुछ नियम है फॉलो करना है। 250 रुपये आपका टिकट का दाम रहेगा। पाँच बजे तक मतलब घूम सकते हैं ना 5 बजे के बाद। चलिए ठीक है गाइस, 5 बजे से बंद हो जाता है, जो कि 5:30 बजे तक घूमने के अलावा 450 टिकट का रेट लिया। अभी आपको यहाँ पे जाना है, गार्ड है आपका टिकट चेक करेगा। चेक करने के बाद में आपको टिकट लेने के बाद में ये स्टिकर जो हाथ में है ना, स्टिकर आपका हाथ में चिपकाएगा। वो अंदर गिर भी जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बस जस्ट चिल वाटर पार्क का वो टेक दिया जाता है कि आप अंदर में है बोल के, टिकट लिए हैं बोल के, इसका प्रूफ है और अंदर जाने दिया जाता है। ये मोटू सेठ अंकल जो है ना, गार्ड मोटू सेठ, गाड़ी का नंबर 88, ये आपका हाथ में स्टिकर चिपका देंगे और स्टिकर चिपकाने के बाद आपको अंदर जाने देंगे। और अंदर जाने के बाद में तो गाइस यहाँ पर कुछ नियम कानून है, कॉस्ट्यूम यहाँ से लेना पड़ता है। अगर कोई कपड़ा लेकर नहीं आया तो 50 रुपये रेट रहता है, 100 रुपये लेता है। बट गाइस तो हम लोग लोकर ले लिए हैं, जो कि अपना ड्रेस और पर्स और घड़ी मोबाइल रख सकते हैं और लोकर में जाके आराम से सेफ है। 84 नंबर यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर आप अपना पर्स मोबाइल रख सकते हैं। लोग देखा आराम से, बिंदास कोई नहीं छूने वाला है, जो कि भाई लिटरली तो हम लोग अंदर घुस गए हैं। अंदर घुसने के बाद भी इतना ज़्यादा हम लोग को स्विमिंग करने का मन कर रहा था, बट भाई का पेंट खुल ही नहीं रहा था भाई। 1 घंटा लगा दिया पेंट खुलने में, दिमाग ख़राब हो गया भाई हम लोग का। अब सब्र नहीं हो रहा है अभी हम लोग को, बस सामने हो के हम लोग नहा नहीं रहे। हम लोग रेडी हो गया, अरे वहाँ देख जहाँ मन वहाँ जाएगा रे भाई। अभी हम लोग रेडी हो गया, बस खाली कूदना है भाई। जहाँ में सबसे ज़्यादा पानी होगा वहीं में कूदेगा हम तो, और कुछ नहीं। छोटका वोटका बच्चा लोग का नहाने वाला है यहाँ पर, हम लोग के पास का है नहीं नहाना। बट वहाँ में समझ रहे हो कौन है, समझो खाली थोड़ा समझो, देखो एक बार। हाँ
सो गाइस, तो फाइनली हम लोग नहा लिया है और जो इतना मज़ा आया कि शायद ही यहाँ पर इतना मज़ा हम लोग सोचा था, बट जो भी है बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और प्लस यहाँ पर पैसा वसूल है, क्योंकि लड़का लड़की सबको ही आता है और सबको ही अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ला रहा है, बट हम लोग तो सिंगल लौंडे हैं तो ऐसे आएगा ही ना। तो बट जो भी है पैसा वसूल है, कैसे आना है कैसे जाना है, ज़्यादा दिक्कत होगा तो कॉल करके पूछ लेना, नंबर दे देगा बस। तो गाइस हम लोग यहाँ पर ड्रेस अपना चेंज करने जा रहे हैं। ये लो चाबी लो, फंसा हुआ पता नहीं कहाँ बनाता है कहाँ नहीं बनाता है, बट जो भी है यहाँ में आने के बाद नियत खराब मत करके आना। ड्रेस हो क्या हो, ड्रेस खाली चेंज करना बाकी है, उसके बाद ड्रेस चेंज करके मिलते हैं आप लोग से। सो गाइस, तो हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, सॉरी खाना वाना खा लिए बोल रहे हैं, तो जा रहे खाने के लिए। चल रहे भाई, दूसरा उपाय नहीं है, नहा हुआ तो लिए हैं। सो बात के एक बार बोलेगा, मसाला डोसा प्लस पनीर चाउमीन बर्गर सर्गर यहाँ कुछ मत खाना, जितना अच्छा पोस्टर में दिखा रहा है उतना अच्छा है नहीं। और ये 50 रुपया का 100 रुपया का कुछ सामान है नहीं, बस ऐसी पोपटिया में रहता है, बट खाली 450 रुपया में नहाओ और माया से घर जाओ, चाहे स्टेशन में फूडकोर्ट में खा लो, यहाँ में बैठ कर खाना नहीं है, रेस्टोरेंट घटिया है। हेलो, पापा टेस्टी भी नहीं है और जगह जैसे जैसा चाहिए वैसा नहीं है। फाइनली गाइस हम लोग खा के अब निकल चुके हैं, जो कि अब हम लोग को बोरिंग लग रहा है ये, इसको हम लोग बाय कर रहे हैं। अब हम लोग को यहाँ पर आना है तो एक बार माइंड फ्रेश करके आना है, जो कि हम लोग लेट से आए थे। अब हम लोग का जो नहाना था घूमना था एंजॉय करना था खाना था खा लिया, बट खाना पसंद नहीं आया, बाकी सब चीज़ पसंद आया। अब हम लोग निकल रहे हैं, अब बाहर में जो मस्ती है उसका इंतजार। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, यहाँ पर पूल है, याद के लिए आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, बहुत बड़ा सदिया दावला ब्रिज जो होता है ना वो वाला पूल है। और यहाँ पर मूज है, इसको मूज बोल सकते हैं आप लोग। हाँ, और इधर में सूरज भगवान जो कि दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से। और ये भाई ये रास्ता में चलते चलते लात मारा, उसमें कुछ था, इस गलत आदमी गलत है, सही नहीं है। और आप लोग को ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आप लोग को हम समझाना और बताना चाहते हैं, नहाने के समय लड़की लोग से छेड़छाड़ी ना करे, ना तो आप लोग को निगरानी में कैमरा आपको निगरानी में रखा है ना भिगवारी में रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ना तो दिक्कत हो सकता है। नहाने का रेट 450 है, खाने का रेट 50, 100, 150, 200 जो खा लीजिए, पानी का बोतल 20। और आपको एक आपका ड्रेस व्रेस रखने के लिए आपको एक लॉकर दिया जाएगा, उसका भी रेट 50 रुपया है। पहले तो 100 रुपया लेता है बट 50 रुपये रिटर्न कर देता है, मगर 100 रुपया उसके लेके 50 रिटर्न करेगा। और उसके बाद में आप कपड़ा भी अगर चेंज करना चाहता है, चाहे आप कपड़ा घर से भूल गया है अंडरवियर कछिया ले जाना, वो उसका भी व्यवस्था है, बट उसका ही पैसा लेता है। बट हम लोग दिमाग का तेज, हम लोग अपना घर से ही लेकर आया था, हमको पता था, इसलिए 50 रुपये कौन देगा एक्स्ट्रा का, इसलिए लाया था। बट ये लोग नहीं लाया था, ये लोग भाई 50 रुपये दिया है, बट हम लोकर का 50 रुपये दिया, बात बराबर हुआ, सही है।